हिमाचल प्रदेश में बारिशों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई जिलों में अलर्ट न होने के बावजूद भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई क्षेत्रों की भांति पहाड़ों की रानी शिमला में भी शुक्रवार को जमकर मेघ बरसे। प्रदेश के 5 जिलों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। इनमें जिला सिरमौर और मंडी के कुछ क्षेत्र हाई रिस्क जोन में है। इसके अलावा 7 सितंबर को 5 जिलों के लिए गर्जन और बिजली का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि 8 सितंबर से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 8 घंटों के लिए 5 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। जिला सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी और बिलासपुर के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जिला कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए गर्जन और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस कुकुमसेरी में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के नैना देवी में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा भरवाई और ओलिंडा में 7 सेंटीमीटर, देहरा गोपीपुर में 6 सेंटीमीटर, बीबीएमबी में 6 सेंटीमीटर, धर्मशाला में 5 सेंटीमीटर, पालमपुर में 3 सेंटीमीटर, भरमौर में 3 सेंटीमीटर, खदराला, सराहन, नादौन, जोगिंदरनगर, कसौली और कांगड़ा में 2 सेंटीमीटर, इसके अलावा अन्य स्थानों में 1 सेंटीमीटर या इससे कम बारिश दर्ज की गई।